मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है लगातार बड़ी संख्या में, प्रशासन आंकड़े नहीं बता रहा है, मात्र 36 मौतों का। मगर कल वाला जो आपका बयान है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कहना आपका? देखो, मेरा जो बोलने का तर्क था वो यह नहीं था, परंतु गलत समझ लिया, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से लोगों को डर घुस गया है, क्योंकि बीमारी हर प्रकार की होती है, कैंसर की बीमारी भी होती है, लकवे की बीमारी भी होती है, अनेक बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारियाँ भी होती है, इससे कई लोग मर जाते हैं। तो मैं आंकड़ा जो मांग रहे थे, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा चाहिए, का आंकड़ा जो है वो सरकार दे रही है, और सबको समझाएं, हम भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस काम में सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए। सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि कोरोना से घबराए नहीं, कोरोना से डट कर मुकाबला करें। हम लोग हर प्रकार से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी सारंग जी से, माननीय हमारे कमिश्नर साहब से, अनेक अधिकारियों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हर चीज़ की हम कमी नहीं आने देंगे, सिलेंडर से लगाकर इंजेक्शन की बात भी, मतलब आज ही माननीय कमिश्नर साहब सबसे मेरी चर्चा हुई है, क्योंकि लोगों में डर घुस गया है कि डर के मारे एक तो बताते नहीं हैं, और बताना चाहिए। तो इलाज में कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे, ये हम लोगों का मध्य प्रदेश की जनता से अपील है कि हम सब लोग मिलकर सहयोग करें, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में हैं। और मैं तो फैले फैले, और कल भी हम लोग राजपुर जाके भी देखा, जुलवानिया।